नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका के 10वें पद का अध्ययन करेंगे। मन पछिताए हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजु बचन अरुहीते। सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठी रीते। सुत बनिता दी जानी स्वार तधरत, न करू नेह सबहिते। अंत हूँ ताही तजेंगे पामर, तू न तजे अभीते। अब ना कहीं अनुराग जाग, जड़ त्याग दुरासा जीते। बुझे न काम अगिनि तुलसी कहू, विषय भोग बहु गीते। तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मन, समय बीतता जा रहा है और ये बीता हुआ समय वापिस नहीं आने वाला है। यदि इस समय का तूने सही उपयोग नहीं किया तो तेरे जीवन में सिवा पछतावे के और कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मानव का जो देह है, ये तुझे जो मिला है, ये दुर्लभ है। इसको तू ईश्वर की भक्ति में लगा ले, इससे तू ईश्वर का ध्यान कर, भजन कर, ताकि तेरे मन में ईश्वर की प्रति भक्ति निर्माण हो जाए। सहस्त्र बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु रावण के जैसे भी इस काल रूपी चक्र से बचे नहीं है। उन्होंने क्या किया, सारा जीवन पैसा इकट्ठा किया, साम्राज्य इकट्ठा किया और मरते समय अंत समय में खाली हाथ ही गए। तो तुलसीदास जी कह रहे, सुत बनाती जानी स्वार धरत, न करूं नेह सबई थे। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि ये सब जो तेरे हैं, सगे संबंधी, पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, ये सब संबंध तेरा कैसा है, स्वार्थ का। अतः तू क्या कर, इनसे अति प्रेम मत कर। यदि तू उनसे अति प्रेम करेगा तो तुझे ही पछतावा होगा। और अति प्रेम इसलिए नहीं कर क्योंकि ये जब तेरा अंत समय आएगा तो ये लोग तुझे छोड़ ही देंगे, तो क्यों ना तू अभी से इनका त्याग कर ले। अब तू ही अंत हूं ताजी तजय पामर, तू न तजय अभी थे। अब ना तही अनुराग जाग, जड़ त्यागू दुरासा जीते। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि अब तू क्या कर, नींद से जाग और क्या कर, भगवान की भक्ति में भगवान का अनुराग कर। इससे क्या होगा, तेरी इच्छा आकांक्षा की पूर्ति होगी। और अब नाथ ही जाग अनुराग जाग, जड़ त्याग दुरासा जीते। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु गीते। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि तेरी इच्छा आकांक्षा ये सब इससे क्या होगा, कभी पूरी नहीं होने वाली है, बल्कि विषय भोग से और भी, जिस प्रकार हम आग में घी डालते हैं तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, तेज होती है, उसी तरह से तेरी भी जो इच्छा आकांक्षा है वो क्या होने वाली है, तेज होने वाली है। तथा तू क्या कर कि हे मानव, तू प्रभु से भक्ति का नाता जोड़ ले। और जब तू प्रभु से भक्ति का नाता जोड़ लेगा तो यही ईश्वर तेरा उद्धार करेंगे, वही तुझे इस भव सागर से तरंतार करेंगे, भव सागर से तुझे पार करेंगे।